क्रिकेट की बमचक इज स्पॉन्सर्ड बाय माय 11 सर्कल। मेरी टीम खेल रही है और आपकी माय 11 सर्कल पे अपनी टीम बनाओ और मुझे हराओ। खुद को चैंप समझते हो तो प्ले विद चैंपियंस। डाउनलोड माय 11 सर्कल ऐप नाउ। नमस्ते, आप दी लल्लन टॉप देख रहे हैं। मेरा नाम है अभिषेक। इंडियन प्रीमियर लीग का जो मजा है ना, वो उस वक्त अलग लेवल पर पहुंच जाता है जब कोई डोमेस्टिक या कम जाना पहचाना चेहरा आता है और अकेले दम पर अपनी टीम को मैच जिता देता है। ऐसा ही हुआ 11 अक्टूबर को दुबई में। राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया और इस जीत के हीरो रहे रयान पराग और राहुल तेवतिया। दोनों ने जबरदस्त बैटिंग की, लेकिन जब ये बल्लेबाजी कर रहे थे उसी बीच एक मोमेंट ऐसा भी आया जब तेवतिया की सनराइजर्स के बॉलर खलील अहमद के साथ मामला गर्मा गया, कहासुनी हो गई। दरअसल राजस्थान को आखिरी ओवर में जीत के लिए चाहिए थे 8 रन। बिल्कुल टेंस माहौल हो गया था मैच में। बॉलिंग करने आए खलील अहमद, लेफ्ट आर्म पेसर। पहली गेंद पर पराग ने 2 रन लिए, दूसरी पर सिंगल। तीसरी गेंद पर तेवतिया ने 2 रन लिया, चौथी बॉल पर तेवतिया ने सिंगल लिया। राहुल तेवतिया उधर नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचे ही थे कि खलील से उनकी कुछ कहा सुनी होने लगी। मोटा माटी ये समझ आया कि तेवतिया रन लेने के रास्ते में खलील के खड़े हो जाने से खुश नहीं थे। उन्होंने खलील से कुछ कहा तो खलील ने उन्हें चल चल टाइप का इशारा करके आगे बढ़ने के लिए कहा। इस पर तेवतिया और भी ज़्यादा बमक गए। अंपायर ने दोनों खिलाड़ियों से कहा कि भैया खेल पर ध्यान दीजिए, मैच खेलिए। हालांकि ये मैटर और ज़्यादा आगे बढ़ता इससे पहले ही अगली गेंद पर रयान पराग ने छक्का जड़ दिया, मैच हो गया ख़त्म। जब मैच के बाद दोनों टीमें ऑफिशियल हैंडशेक कर रही थी, हालांकि अब हैंडशेक होता नहीं है, फिस्ट पंप कर लेते हैं कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से, तो इसी दौरान डेविड वार्नर ने पहले अंपायर से बात की। वार्नर की बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो तेवतिया ने का जो रवैया था उससे खुश नहीं थे। फिर वार्नर ने तेवतिया को कुछ समझाने के अंदाज में उनसे भी बात की। वार्नर सीनियर खिलाड़ी हैं, मैदान पर उनका यह फ़र्ज़ भी था कि वो दूसरों को समझाएं। और आखिर में तेवतिया और खलील ने मैदान से बाहर जाते समय आपस में बात की और लगा कि मामला चलो रफा दफा हुआ। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में तेवतिया से भी इस बारे में सवाल किया गया कि भैया आखिर हो क्या गया था आपके और खलील अहमद के बीच में। उन्होंने कहा कि मैच का माहौल गर्म था, उसी में थोड़ी कहासुनी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं थी। मैच में राहुल तेवतिया ने 28 गेंदों पर नाबाद 45 रन बनाए। उनके साथ थे रयान पराग जिन्होंने 26 गेंदों पर नॉट आउट 42 रन बनाए। रयान पराग और तेवतिया ने मिलकर 47 गेंदों पर 85 रनों की साझेदारी की और एक टाइम जो मैच लग रहा था कि राजस्थान की पहुंच से बाहर हो गया है उनके सारे टॉप ऑर्डर्स खिलाड़ियों के फ्लॉप होने के बाद, उस मैच में टीम की वापसी कराई और काफ़ी कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी टीम को एक मच नीडेड जीत भी दिलाई। इंडियन प्रीमियर लीग से जुड़ी और भी जो अपडेट्स होंगी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, मैच का हाल, अलग अलग किस्से। आप जुड़े रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। ये वीडियो अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक कर लीजिए। शुक्रिया।